हेलो एवरीवन, टेक विद सैम में आपका स्वागत है। थंबनेल आपने देखा होगा, क्या है हमारा आज का थंबनेल? हाउ टू अपलोड वीडियो। ओके, वीडियो अपलोड तो करना है, लेकिन कहाँ पे करना है? यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो देख लेंगे अभी यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो कैसे अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं जैसे करता हूँ वैसे हम करने वाले, कि वो वीडियो तो अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो मतलब तब इसका हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो पहले से अभी अपलोड है। जो हम करने वाले वो पहले से अपलोड है, लेकिन उसके स्टेप्स के थ्रू आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपलोड करते हैं वीडियो। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले साइन इन वगैरह कर लो, यूट्यूब ओपन कर लो, साइन इन वगैरह सब कुछ कर लेना। ओके, साइन इन करने के बाद सेम आपका यूअर चैनल्स मतलब इधर आप जाओगे तो यूअर चैनल्स कर लो। यूअर चैनल्स करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैनेज वीडियो। ओके, तो मैनेज वीडियो पे क्लिक कर लेना। और जब आप मैनेज वीडियो पे क्लिक करोगे तब क्या होगा, तब ये आएगा आपके सामने कंटेंट का ऑप्शन। ओके, तो कंटेंट के यहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस अभी इधर तो दिख रहे हैं, हाउ टू यूज गो टू मीटिंग ऐप। ओके, ये मेरा लास्ट वीडियो था, अभी हम नेक्स्ट करने वाले। तो मैं जाता हूँ इस पे, क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करना है मुझे, क्रिएट पे क्लिक कर लिया मैंने। और ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड वीडियो, तो अपलोड वीडियो लाइव चलना होगा तो आप लाइव भी कर सकते हो। मेरे मैंने वीडियो बनाया है गो टू मीटिंग के थ्रू। ओके, तो इसको मैं अपलोड करूंगा, तो मैं कर लेता हूँ अपलोड। सबसे पहले इसको ठीक कर लेते इस पॉइंटर ऑप्शन को। यस, अभी अपलोड वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो वीडियो, या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हो। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और जो भी वीडियो है मेरा मैंने चूज कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर कुछ भी चूज कर ले रहा हूँ मेरा वीडियो, और इसको एक कर लेता हूँ। चूज करने के बाद नेक्स्ट जब करोगे मतलब ओपन जब करोगे तब तो आपको ए ऑप्शन आएगा। ओके, और अभी हम देख लेते हैं टाइटल। अभी टाइटल क्या है, अभी टाइटल आप मतलब क्या दे सकते हो कि आपका वीडियो किस पे बेस है। ओके, अभी ये मेरा जो वीडियो है ये वीडियो एडिटिंग पे बेस है, जो विंडोज 10 में वीडियो एडिटर है उस पे बेस है कि विंडोज इनका जो वीडियो एडिटर है वो यूज कैसे करते हैं। तो मैंने डाला है कि टाइटल हाउ टू यूज वीडियो एडिटर, जैसे कि ऐसे यूट्यूब में टाइटल्स होते हैं, हाउ टू यूज विंडोज 10 फ्री वीडियो एडिटर। मैं इसमें से भी ले सकता हूँ या फिर खुद से भी ले सकता हूँ। ओके, या फिर मुझे बताइए कि हाँ ये इसका वीडियो एडिटर, ये ही इसका टाइटल है, हाउ टू यूज वीडियो एडिटर इन विंडोज 10 का है इन हिंदी, आपके हिसाब से आप दे सकते हो। और इधर मल्टीपल है, ये सब कुछ टाइटल है, ये आप जो आपको इधर दिख रहे हैं ये सब कुछ टाइटल है। ओके, तो अभी नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा। ओके, तो उसके बाद ये जो मैंने पाइप डाला है, ओके, ये पाइप का जो सिंबल है मतलब एक वीडियो को मैं ए कर लो, अलग है ए दे रहा हूँ, क्योंकि तो जो हम टाइटल में डालेंगे उसकी वजह से हमारा वीडियो सर्चेस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर आपको व्यूज बढ़ाने हैं इसको जो है तो सर्चेस में आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं टाइटल में भी ऐसा आपको टाइटल डालना पड़ेगा जिससे कि आपका जो वीडियो है वो सर्चेस में आ जाए। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन की वजह से भी सर्चेस में आता है आपका वीडियो, तो इधर भी डालना होगा तो इधर भी ठीक से डालो। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इधर भी क्या डाला है, हाउ टू यूज वीडियो एडिटर इन विंडोज 10। ओके, इन हिंदी वीडियो एडिटर यूट्यूब वगैरह ऐसे मैंने कुछ डाले हैं, एक प्रकार का आप टैग बोल सकते हो। और हैशटैग मतलब क्या, कि जैसे कि हैशटैग हम कुछ भी डालते हैं, ओके विंडोज 10, तो वैसे हैशटैग है ये आपको सब कुछ जो आप इसमें है ना, हाउ टू यूज वीडियो, इधर आप कौन सा भी वीडियो प्ले करोगे उधर से भी आपको हैशटैग मिल सकते हैं, या फिर आप खुद से भी लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हैशटैग वगैरह कैसे बनते हैं ये समझ लो, करंटली तो अवेलेबल नहीं होते। ओके, करंटली आप डालोगे कुछ भी हैशटैग तो होगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में बन सकता है। तो आपका हैशटैग भी कभी कभी आप एक तो ये कर सकते हो कि दूसरे का जो वीडियो हैशटैग है वो यूज कर सकते हो, या फिर आपके खुद के हैशटैग की वजह से आपका वीडियो आ सकता है। ओके, तो आप ओनर बन सकते हो या फिर उनके हैशटैग लेके ये भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने हैशटैग डाले है वीडियो एडिटर, और कुछ कुछ मैंने जो पहले से हैशटैग अवेलेबल थे वही यूज किए। ओके, और देखो मैंने जैसे चैनल का नाम डाला है, आप भी डाल सकते हो हैशटैग में, और मैं हिंदी के वीडियो और चार ज्यादा डालता हूँ तो मैंने हैशटैग हिंदी भी किया है। ओके, तो ये भी आप चूज कर सकते हो। अभी थंबनेल क्या होता है कि जैसे कि इधर देखो ये जो दिख रहा है, ओके, ये जो अभी एक बंदा है जिसने अपना फोटो डाला है, और ये देखो फ्री विंडोज 10 वीडियो एडिटर, ये होता है हमारा थंबनेल।
ओके, थंबनेल जितना अच्छा होगा उतना अब उसको क्लिक करने का आपको लगेगा हाँ इस पे क्लिक करना चाहिए। तो थंबनेल भी आपको ऐसे ही डालना चाहिए कि जिसमें क्लिक कर सको। ओके, तो थंबनेल आपको अपलोड करना होगा तो यहाँ से कर सकते हो। तो इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देखो अभी मेरा वीडियो एडिटिंग का मैंने थंबनेल पहले से डिसाइड कर लिया था, ये देखो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये बैठ चुका है थंबनेल मेरा। ओके, ये अपलोडिंग हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा, ये होगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा प्लेलिस्ट। अभी प्लेलिस्ट आप डालोगे नहीं डालोगे तो भी चलता है। लेकिन प्लेलिस्ट से क्या होता है कि जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ, ओके, कि जैसे कि एक घर है आपका, एक घर में बहुत चीजें कहाँ पर भी रख दोगे। ओके, तो आपको पता नहीं चलेगा कि चीजें कहाँ गई। ओके, लेकिन आप प्लेलिस्ट सेम वैसे ही है कि हर चीज जिसकी है उसके पास चले, जैसे कि ये मेरे वीडियो है एडिटिंग की, ओके, यूट्यूब के रिगार्डिंग। ओके, तो ये पूरा मेरा यूट्यूब में जाता है। ओके, जैसे कि मेरे पास मल्टीपल प्लेलिस्ट है। ओके, आप देख सकते हो रेड हैट की वीडियो में डालता हूँ तो रेड हैट की वीडियो आपको रेड हैट के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वर्चुअल बॉक्स की वर्चुअल बॉक्स में, कमन फ्रॉम विंडोज 11, महाभारत का भी है थीम सॉन्ग वगैरह, मूवीज के सीन्स, ये सब कुछ आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ओके, तो आप लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आपको इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएंगे, और जो आपका व्यूअर है वो भी उसको भी ना बेनिफिशियल रहेगा कि एक्सेस करना कहाँ से भी, क्योंकि मल्टीपल वीडियो ऐसे बनते जाएंगे आपके तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने कौन सा वीडियो डाला है कि नहीं। तो प्लेलिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको आपने पहले से क्रिएट की होगी तो आप चूज कर सकते हो, और अगर करना होगा तो न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। ये देखो टाइटल डाल दो, जो टाइटल डालना है, जैसे मैंने विंडोज 11 टाइटल है तो वो डाल सकते हो। विजिबिलिटी पब्लिक मतलब आपकी प्लेलिस्ट आप शो करवाना चाहते हो सभी जगह पे व्यूअर्स को भी, तब पब्लिक कर सकते हो। प्राइवेट में क्या होता है वो प्लेलिस्ट प्राइवेट हो जाती है, जो आपका चैनल जो ये कर रहा है मतलब कंज्यूम कर रहा है उसको दिखेगा नहीं प्राइवेट करोगे तो, जिसको आप शेयर करोगे लिंक उसी को दिखेगा प्लेलिस्ट। ओके, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं यूट्यूब चूज कर लिया है मेरा, क्योंकि मेरा प्लेलिस्ट यूट्यूब था। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है कि देखो दिस वीडियो इज सेट नॉट मेड फॉर किड्स। अभी ये जो मेरे वीडियोस है ये मैं किड्स के लिए बना रहा हूँ, मतलब छोटे बच्चे उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। ओके, जैसे कार्टून वगैरह इसमें कुछ नहीं है सर। ओके, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखो अगर आपके वीडियो किड्स के लिए आप बना रहे हो तो आप यस कर सकते हो, और जो भी है उसका उसके रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा नहीं, इसलिए मैंने नो कर दिया है, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ शो मोर। ओके, ये एडवांस है, उसका ऑप्शन होगा तभी ये ऑप्शन आएगा एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह, तो वो आप डाल सकते हो। तो मेरा मैं नो कर रहा हूँ, और शो मोर पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। शो मोर पे मैं जब क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो आपके वीडियो में कुछ पेड प्रमोशन अगर हो रहे हैं, ऐसा तो मेरे इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने इसमें अनचेक किया है। ओके, अगर आपको करना होगा तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, पेड प्रमोशन अगर और ऑटोमेटिक चैप्टर से अगर इसको भी मतलब जैसे वैसे रखो, उसको भी टिक मारी करो। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टैक्स। ओके, सबसे मैं तीन मेन बात आपको बताता हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग, ये तीन ऐसे मतलब जगह है जहां से आपका जो वीडियो है वो कंज्यूमर को मिलेगा, मतलब जो व्यूअर है उसको मिलेगा। तो इन तीन जगहों पे आपको है ना टैग भी ऐसे ही डालने हैं जैसे कि आपका वीडियो सर्चेस में आ जाए। ओके, देखो इधर लिखा है आपका वीडियो फाइंड करने के लिए व्यूअर्स को आप मदद कर रहे हो, कि वैसे आपको टैग डालने पड़ेंगे। ओके, जैसे कि ये देखो ये मल्टीपल जैसे कि ये यूट्यूबर है, ऐसे इसको भी आप टैग जैसे यूज कर सकते हो, विच सॉफ्टवेयर डज यूज फेमस यूट्यूबर फॉर वीडियो एडिटिंग। ओके, इसको भी आप टैग जैसे यूज कर सकते हो, मतलब एक वर्ड जिससे कि आपका वीडियो सर्च में आता है, जैसे कि कोई सर्च क्या करेगा हाउ टू यूज वीडियो एडिटर। ओके, यूट्यूब की वीडियो बनानी है तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या है। ओके, ऐसे भी कोई पूछ सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं कि जैसे कि मुझे ये करना है कि ना मूवीज एडिटिंग करना है, ये करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो हो गए टैग, वो आपको डालने पड़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल डाल दिए है कि देखो हाउ टू यूज वीडियो एडिटर इन विंडोज 10 इन हिंदी। ओके, एक सबसे बड़ा टैग है, एक स्मॉल टैग है। ओके, तो ऐसे टैग डाल सकते हो। इस टैग को डालने के लिए मैं आपको एक सिंपली एक बता देता हूँ कैसे डालना है। ओके, तो जैसे कि मैं नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ हाउ टू यूज वीडियो एडिटर। ओके, तो उसके बाद आपको डालना है कॉमा, तो ये टैग सेपरेट हो जाएगा। ओके, और इसमें आप 500 वर्ड ही डाल सकते हो।
500 वर्ड से ज्यादा होगा तो ये आपको एरर देगा। ओके, ये भी याद रखना, 500 वर्ड से ज्यादा हो गए आपके तो आपको एरर आएगा। और इसमें मैंने चैनल का नाम भी डाला जिससे कि बाद में मेरा चैनल सर्चेस में आ सकता है। ओके, तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल वे से आपके चैनल को ऊपर लाने के। ओके, तो टैग भी आप ऐसे दे सकते हो। याद रखना, टैग की वजह से आपका और टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इन तीनों की वजह से आपका क्या होगा, जो वीडियो है वो जो चैनल है वो टॉप में आ सकता है सर्चेस में। जब भी कोई सर्च करेगा हाउ टू एडिट वीडियो यूजिंग वीडियो एडिटर, ओके, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आपका वीडियो सर्चेस में आ सकता है। ओके, तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट अभी क्या कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें मैंने स्क्रॉल बार के, ये देखो इधर से मैं स्क्रॉल बार नीचे कर रहा हूँ इसको, और ये देखो अभी वीडियो की लैंग्वेज मेरी हिंदी है, आपकी इंग्लिश होगी तो इंग्लिश कर दो, कैप्शन देना होगा तो आप दे सकते हो। ओके, और रिकॉर्डिंग डेट मैं दे रहा हूँ आज की 6 नवंबर की। ओके, तो मैं चूज कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये भी आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या है, वीडियो लोकेशन, वीडियो लोकेशन मैं इंडिया से कर रहा हूँ तो मैं इंडिया चूज कर लूँ। ओके, तो ये भी आप चूज कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में इससे नीचे नीचे आओ और नीचे नीचे लाइसेंस, इसको ऐसे रख लो तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। ओके, और इसमें भी कोई चेंजेस मत करो, ये भी सेम है, इतना कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें जो एजुकेशन से, आप ये वीडियो किसके लिए बना रहे हो, अभी मैं इसे आप सबके लिए बना रहा हूँ जैसे कि ना आपको एजुकेशन मिले, तो एजुकेशन पर्पज के लिए मेरे ये वीडियो है। कुछ जैसे कि मेरे मूवीज के अगर वीडियो है और मेरे फिल्म वगैरह इसके वीडियो है तो उसको मैं उस जगह पे चूज कर लेता हूँ। अगर आप कॉमेडी के वीडियो बना रहे हो तो आप इधर कॉमेडी चूज कर सकते हैं। ओके, तो यही डिफरेंस था, मैं एजुकेशन चूज कर रहा हूँ। और जो नेक्स्ट है, अभी एक कमेंट का क्या है, अगर कोई गलत कमेंट डालता है तो आप चाहते हो कि उसको जल्द से जल्द रिप्लाई ना मिले, उसको होल्ड करें, तो आप होल्ड भी कर सकते हो। ओके, और जैसे कि ये देखो एक टॉप में आ जाए वैसे कमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ है, ये सब कुछ आप आगे कर सकते हो। ओके, और जो ये है सबसे मेन, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो पे जो मैं अपलोड कर रहा हूँ अगर कोई सा भी मतलब जो व्यूअर है, ओके, ये एरो का 1 मिनट में कर लेता हूँ, ये जो वीडियो पे अगर कौन सा व्यूअर कुछ डिसलाइक वगैरह डाल देता है, लाइक डाल देता है, वो आप चाहते हो कि जो भी आपका आप ये वीडियो देखे उसको दिखे या ना दिखे, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो इसको अनचेक करोगे तो किसी को दिखाई नहीं देगा कि आप किसने आपके वीडियो पे लाइक किया डिसलाइक किया, तो ये भी आप बंद कर सकते हो। तो अभी मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट देख लेते नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सबटाइटल, तो सबटाइटल भी आप दे सकते हो। ओके, जैसे कि हमने देखा कैप्शन से अगर सब टाइटल्स भी अलग होते हैं वो भी आप दे सकते हो, और एड एंड एंड स्क्रीन। ओके, अभी जो एंडिंग आपका वीडियो एंड होने वाला है उस समय के ना आपका कुछ छोटा सा एक ट्रेलर चलना चाहिए, तो वो भी आप चला सकते हो। अगर आपने बनाया होगा खुद से तो आप इम्पोर्ट वीडियो भी डाल सकते हो या फिर आप ऐड कर सकते हो। अभी तो मैं इधर ऐड कर रहा हूँ। ओके, अभी ये ओपन हो जाने के बाद ऐसे ओपन होगा तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, इम्पोर्ट फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो। ओके, लेटेस्ट वीडियो उससे आएगा वन वीडियो वन सब्सक्राइबर, मतलब एंडिंग में ना एक वीडियो आएगा एक सब्सक्राइबर आएगा, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वन प्लेलिस्ट या फिर वन सब्सक्राइबर। तो मैं इधर चूज कर ले रहा हूँ, दो वीडियो मल्टीपल ऑप्शन है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो मैं इधर चूज कर ले रहा हूँ वन प्लेलिस्ट और वन सब्सक्राइबर, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो ये देखो अभी आ चुका है, ये देखो ये मेरा चैनल का नाम आ चुका है, क्योंकि मैंने क्या डाला है वन प्लेलिस्ट वन सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर का इसको ऊपर आएगा इस सब्सक्राइबर का, और ये है प्लेलिस्ट का। अभी इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, हो चुका है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने, और उसके बाद मैं जाता हूँ प्लेलिस्ट पे, नहीं उसके बाद सबसे पहले ये देखो अभी इसको है ना, इधर एक ऑप्शन है इसको ऐसे ड्रैग करो इधर से इधर, और इसको भी ऐसे ड्रैग करो, क्योंकि ये कहाँ पे आपको दिखना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है, ये अभी आपको स्टार्टिंग में दिखेगा क्योंकि ये हमें एंडिंग में चाहिए, तो इसको एंडिंग में ऐसे ड्रैग करो तो ड्रैग होता है, इसको भी आप ड्रैग कर सकते हो। तो मैंने ये देखो ड्रैग कर दिया है, अब ये सब एंडिंग में आ जाएगा ऐसे कि इधर फोटो आ जाएगा मेरा चैनल वगैरह फोटो वगैरह, और उसके बाद ये मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। ओके, अभी प्लेलिस्ट तो खाली है तो प्लेलिस्ट को मैं चूज कर लेता हूँ और प्लेलिस्ट दे देता हूँ यूट्यूब। ओके, क्योंकि अभी इसमें यूट्यूब के ही मैं प्लेलिस्ट का ये वीडियो है हमारा, तो इसलिए इसको मैं यूट्यूब दे देता हूँ वीडियो एडिटिंग का वगैरह, इसलिए मैंने बनाया यूट्यूब के लिए, तो ये मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट ये देखो हो चुका है, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ
बस इतना ही है, मैंने इसको सेव किया। उसके बाद नेक्स्ट, अभी इसको ये हो चुका है ओके। और अभी इसके बाद मैं कार्ड्स बनाता हूँ, जैसे कि आपको दिखा दो कार्ड्स क्या है, ऐड करता हूँ मैं। ये देखो अभी इधर जो ऊपर आता है ना, आई बटन वगैरह हम बोलते हैं यूट्यूबर, तो उधर जो कार्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं कार्ड्स, वो आई बटन बोलते हैं ना, ऊपर वीडियो है आई बटन में जाके चेक करो, तो उसको बोलते हैं कार्ड्स ओके। तो उसमें आप वीडियो भी डाल सकते हो, प्लेलिस्ट चैनल कुछ भी डाल सकते हो। सेम मैं जब फिर से वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ ओके, तो वीडियो में चूज कर रहा हूँ हाउ टू यूज गो टू मीटिंग ऐप ओके, योर वीडियोस, एनी वीडियो ऑन यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हो इसमें। तो मैं मेरी वीडियो डाल रहा हूँ हाउ टू यूज गो टू मीटिंग ऐप और क्लिक कर रहा हूँ ओके। तो उसके बाद ये देखो अभी इसमें क्या है कि इधर आप वीडियो प्ले करके कहाँ कहाँ पे आपको डालना है एक कार्ड्स, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हो ओके। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, इधर जो जो नंबर आएंगे ना वो नंबर आप इधर डाल सकते हो, जब वीडियो प्ले होगा आपको, आप चाहते हो यहाँ पे आ जाए वहां पे आ जाए, तो ये भी आप डिसाइड कर सकते हो, और मल्टीपल कार्ड्स आप इधर डाल सकते हो ओके। ये भी आप इसमें कर सकते हो। और अभी ये देखो इधर कार्ड्स भी शो हो रहे हैं, हाउ टू यूज गो टू मीटिंग, जैसे कि हम बोलते हैं कि आई बटन में जाके चेक कर सकते हो, तो ऐसे आप इधर चेक कर सकते हो ओके, कार्ड्स डाल सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा ये भी हो चुका है, मैंने सेव कर दिया है इसको भी ओके। अगर आप कोई नहीं करना होगा तो डिस्कार्ड कर सकते हो, और मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ ओके। तो ये भी हमारा हो चुका है, अभी मैं कर लेता हूँ सिंपली नेक्स्ट। अभी चेक सबसे मेन ओके, अगर आपका इधर चेक्स में इश्यू फाउंड हुआ तो आप मूवीज वगैरह कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हो कि जो जिसका ओनर कोई और है ओके, आप यूट्यूब में वही कंटेंट डाल सकते हो जिसका ओनर आप खुद हो। अगर आप समझो कि आप ओनर हो लेकिन फिर भी है ना आपको वो एरर दे रहा है, तो उस समय आपको आप उसको कॉपीराइट आपके सेंड कर सकते हो ओके। तो उस केस में हमेशा याद रखना ओरिजिनल कंटेंट ही डालना, और फेयर यूज वगैरह मैं जैसे मूवीज का कभी कभी डालता हूँ तो मुझे फिगर क्या देगा, कभी कॉपीराइट क्लेम ओके, कॉपीराइट क्लेम में इश्यू नहीं इतना, लेकिन कॉपीराइट क्लेम होगा ना उसको, उस वीडियो को डिलीट कर दो तुरंत ओके। और उसके बाद अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो समझ जाना कि आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है 3 स्ट्राइक के बाद। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आपका कंटेंट है वो ओरिजिनली डालना ओके, और किसी जगह से अपलोड वगैरह मूवीज वगैरह वो मत डालना, तो ये हर वक्त चेक करेगा ओके। अभी तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट है इसलिए इधर वो कुछ इश्यू नहीं दे रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर ले रहा हूँ ओके। और ये देखो अभी विजिबिलिटी प्राइवेट अनलिस्टेड और पब्लिक, अभी प्राइवेट में क्या होगा देखो, ओनली यू एंड पीपल यू चूज कैन वॉच योर वीडियो ओके। मतलब क्या कि जिसको जिसको मैं लिंक शेयर करूंगा वही इस वीडियो को देख पाएगा, लेकिन अनलिस्टेड में क्या होगा, एनी वन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो ओके। मतलब जिसके पास भी है ना आपकी वीडियो की लिंक होगी वही आपका वीडियो देख पाएगा ओके। और पब्लिक में क्या होगा, एवरी वन कैन वॉच योर वीडियो ओके। तो ये भी आप कर सकते हो, और आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम के ना बाद प्रीमियर करना चाहते हो, जैसे कि ना मूवीज प्रीमियर होती है इतने इतने टाइम के बाद, तो ऐसे भी आप अपने वीडियो को कर सकते हो ओके। ये भी हम कर सकते हैं, और अभी शेड्यूल भी कर सकते हो कि ये वीडियो कब अपलोड होनी चाहिए, उसका भी आप कर सकते हो। अभी तो मैं सिंपली पब्लिक कर रहा हूँ ओके, और ये कर दे रहा हूँ पब्लिक किया है मैंने और पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश पे मैं जब क्लिक करूंगा तब एक लिंक आ जाएगी, या आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो ओके, कॉपी करके व्हाट्सएप में फेसबुक पे किसी भी जगह पे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं क्लोज कर रहा हूँ ओके। और क्लोज करने के बाद ये देख सकते हो आप इधर हाउ टू यूज वीडियो एडिटर इन विंडोज, पब्लिक में है मतलब अवेलेबल है, सभी को दिख रहा है ओके। आप चाहते हो नहीं दिखे तो प्राइवेट भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ नहीं है, कॉपीराइट क्लेम वगैरह, ये डेट है कब आपने अपलोड किया है, व्यूज अभी तक तो कुछ नहीं है, कमेंट्स भी कुछ नहीं है, लाइक्स वगैरह कुछ नहीं। तो आगे और भी हम इसमें देखेंगे और क्या क्या टॉपिक है, जल्दी हम उसको कवर करेंगे। तो आशा है कि मुझे आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बने रहना मेरे साथ, फिर मिलेंगे टेक विद सैम के साथ। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।